तो सेम बाइट। पार्टी ऑफिस जा रही हूँ और मैं आ गई हूँ अपना मेट्रो स्टेशन। देखते हैं जाके क्या होगा, क्या प्लानिंग होगी, तो बने रहिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। और ये आ गई हमारी मेट्रो। यही रीजन है कि मैं दिन में इस टाइम निकलना प्रेफर करती हूँ। इस टाइम में ना मेट्रो बिल्कुल खाली मिलती है और फिर आप आराम से बैठ के चले जाते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं राजीव चौक। और राजीव चौक क्या है, ये मेट्रो का कुंभ है। बहुत सारी लाइनें यहाँ से आप चेंज करके जा सकते हैं। अब तो इतना अच्छा हो गया है ना कि यहाँ पर अगर आपको भूख लगी तो खाने पीने का बहुत सारा आउटलेट है। और यहाँ से मैं चेंज करूँगी अपना मेट्रो। मिस कर गए मेट्रो को, वेट करना पड़ेगा दूसरे मेट्रो के लिए। तो ये देखिए हमारे ऑफिस के आम के पेड़ में ये टिकोले आ गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जब ये टूट टूट के गिरना शुरू होगा ना, पता नहीं लोग रहने भी देंगे या नहीं, पर इसका अचार मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो बहुत प्यारा लग रहा है, पूरा ऊंचा ऊंचा तक। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हम तोड़ थोड़ी वालियन कि फोटो खींचे से भी खराब हो जाते की पता भी। और मैं आ गई घर। मुझे लगी थी बहुत तेज से भूख, तो मैंने बनाया नूडल्स। तो ये है बचपन की नूडल जो हम बचपन में घर में बनाते थे और खाते थे। आज ये नूडल मैं बना रही हूँ। बड़ा मन किया, बचपन की याद आई तो मैं इसको लेके आई हूँ। और पैकेट के साथ में देखिए हमको क्या क्या मिला है। तो ये देखिए, ये अजीनोमोटो दिया है, साथ में ये विनीगर मिला है और उसके साथ में ये मिला है सॉस। और आज बचपन वाले नूडल को एकदम स्ट्रीट टच दे करके मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे पनीर चाउमीन, स्ट्रीट स्टाइल पनीर चाउमीन। तो बने रहिए आप लोग और देखिए कैसा बनता है स्ट्रीट स्टाइल पनीर चाउमीन। पार्टी ऑफिस से घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे बड़ी तेज भूख लग गई। तो समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। घर में सिर्फ मीठा पड़ा है, खाने का मन कर रहा था और मीठा थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो रास्ते में मुझे ये चाउमीन दिख गया, बगल में एक डेयरी है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ले ही लो और इसी को बना के खा लेते हैं। आज कुछ हो रहा है, आज ना मेरी दाई आँख बहुत तेज फड़क रही है और ये बार बार हो रहा है। चलिए देखते हैं, चाउमीन बनाते हैं पहले, बाद में देखेंगे आप क्यों फड़क रहा है। तो ये नूडल रेडी है गल के, ये देखिए। इतना ही पकाना है क्योंकि अभी जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें भी थोड़ा पकेगा। इसको फटाफट स्ट्रेन कर देते हैं और इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं जिससे कि ये चिपके नहीं। तो ये इसको स्ट्रेन कर लिया और अच्छे से पानी निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। पर ये ना बारीक वाला नूडल है।
ये कट कर लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया है सब्जियां। बचपन में इतनी सब्जियां नहीं मिलती थी हम लोगों को, हम प्याज टमाटर पे ही बना लेते थे। तो अब अपना घर है ना, खुद चलाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। तो मैंने ले लिया है का प्याज, उसके साथ में पनीर, गार्लिक, चिली, जिंजर, टमेटोज और बीन्स। जी हाँ, हम टमेटोज भी डाला करते थे बचपन में। और ये देखिए मेरा नूडल। बचपन में ना ऐसा नहीं होता था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि इसको ठंडे पानी से धो दो, ओवर कुक नहीं होगा। और अभी क्या है, अभी पता है, अभी कुकिंग करते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए। तो सब कुछ रेडी है, अब फटाफट बनाते हैं। मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, तो मैं इस लोहे की कढ़ाई में ही नूडल्स बनाऊंगी। फटाफट मैंने इसमें डाल दिया जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, और ये हल्का सा पकेगा। और मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। गार्लिक की जो भूने की खुशबू होती है ना, बड़ी कमाल होती है। और ये है प्याज। हम इसको थोड़ा सा तेज पे ही भूनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी चीज को ना पकाना नहीं है, क्रंच होना चाहिए, एक बाइट होनी चाहिए सब्जियों में। ये बचपन से भी पता था मुझे, क्योंकि मैं कुकिंग ना सच में बचपन से ही करने लग गई थी। और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ बीन्स। बचपन में ना जब हम लोग नूडल्स खाते थे खुद से बना के, तो जो सब्जियां हमारे पास अवेलेबल होती थी, इनकी मटर भी हम डालते थे। और मुझे याद है मैं स्कूल डेज में थी, 9th-10th में थी, और हमारे एरिया में नूडल्स लॉन्च हुआ था, और हम चाउमीन बोला करते थे, और हमारे यहाँ स्ट्रीट पे मिला करता था। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बताया था कि आजकल एक चाउमीन नाम की चीज़ होती है जो बड़ी अच्छी लगती है, और उसके सामने अब जो गोलगप्पे वाले हैं वो लोग खड़े रह जाते हैं। और उसका जो है ठेला बोलते थे हमारे यहाँ, दिल्ली में रेड़ी बोलते हैं ना, तो हम लोग यहाँ ठेला बोलते थे। तो ठेला का ठेला भरा रहता है, और चाउमीन वाला का जो है ठेला एकदम खाली हो जाता है, गोलगप्पे वाले देखते रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आज मुझे बड़ी याद आ रही थी, जब मैंने ये बस आज हुआ क्या ना, जब मैं आ रही थी तो बस मैंने ये देख लिया, और ये देखने के बाद मुझे इतनी सारी चीज़ें याद आई, और मैंने सोचा कि चलो आज बना के खाते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि कैसे बनाती थी मैं बचपन में। तो बस यहाँ पे अब सॉस डालना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें बाकी है वो भी डाल देंगे। पनीर से लोडेड होगा हमारा चाउमीन। छोटे टुकड़े नहीं, बड़े बड़े टुकड़े डाले हैं ताकि टेस्ट आए, पता चले। और इसको इस पे ना तेज आंच पे ही पकाएंगे, नहीं तो पानी फूटेगा और पनीर भी टूटना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज तेज आंच पे ये फ्राई होगा। थोड़ा सा नमक, और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो ना तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालिए। मैं तो चिली फ्लेक्स नहीं डालूंगी, क्योंकि रेड चिली हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है खाना। कश्मीरी मिर्च कभी कभी डाल देती हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, रेस्ट हम ग्रीन चिली ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स आपके पास हो तो आप जरूर डालिए। मैं यहाँ पे डालूंगी काली मिर्च। तो ये काली मिर्च मैंने डाल दिया। ब्लैक पेपर पाउडर भी खत्म हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि वो मसाले बनाने का टाइम भी आ गया है, तो कल परसों मैं वो भी कर लूँगी। ये देखिए बन रहा है ना अच्छे से। नमक इसलिए डाला ताकि सब्जियों में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए पहले जो लग रहा था पनीर की टूट जाएगा, वो पनीर अब नहीं टूटेगा। और अब हम डालते हैं इसमें चाउमीन, फिर हम डालेंगे सॉस। अब इसको हम स्ट्रीट साइड में ले आएंगे।
ये सोया सॉस जो हमें मिला है ना उससे ही डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास है, मैं उससे डाल लूँगी। अजीनोमोटो मिला है, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा डाल दो तो फिर घर में खाएंगे भी नहीं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अब घर के सॉसेस लेके आती हूँ, बिकॉज इतने में तो नहीं होना है ना। थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस में भी नमक होगा इसलिए थोड़ा ही डाल देंगे। तो इसके बिना ना बचपन वाली चाउमीन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथ में ना यही कंट्रोल होता था, टमेटो सॉस यही हम दबा के डालते थे। और अब सारे सॉसेस हो गए कंप्लीट, और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ध्यान से मिक्स करना है ताकि ये हलवा भी ना हो जाए। वैसे नहीं होगा, तेज आंच पे बनेगा ना तो नहीं होगा। आप अगर सिम करेंगे तो पानी छोड़ने का डर रहता है सब्जियों का, वैसे अब सब्जियां भी पानी नहीं छोड़ेंगी। बहुत ही अम्मी खुशबू आ रही है, क्या बताऊं आप लोगों को। गार्लिक, जिंजर, सॉस, हर एक चीज की खुशबू। और बचपन वाला नूडल ना धनिया पत्ते के बिना कंप्लीट नहीं होता। धनिया जरूर डालते थे हम लोग उस टाइम पे, वही लगता था भाई हम मास्टर सेफ हैं। जिसने अच्छा चाउमीन बना लिया वो खुश। अब तो इतनी सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारी कंपनी पूरा नूडल का मसाला निकाल चुकी है, बस भूनो डालो सब्जियां मिलाओ रेडी। तब हमें सब कुछ खुद से करना होता था, और वो भी उस टाइम कोई गूगल नहीं था, कोई रेसिपी नहीं होती थी। फिर भी हम करते थे किसी भी तरीके से। तो ये चाउमीन हो गई डन, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता, इंडियन टच तो देना ही है ना। तो बस तैयार है चाउमीन खाने के लिए। तो इसको सर्व करते हैं फटाफट से और टेस्ट करके देखते हैं बचपन वाली बात आई कि नहीं आई। वैसे थोड़ी सी मिर्ची कम तो है, बचपन में मिर्ची खाती थी ना। चलो ये हो गया डन, गैस को कर देते हैं बंद और नूडल को करते हैं सर्व। भाई माना कि बचपन वाली नूडल है, पर इसको सर्व अगर अच्छे से कर लेंगे, एक प्यारे से प्लेट में करेंगे, तो फीलिंग हम रेस्टोरेंट वाली भी ले सकते हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना बेस्ट नूडल, एकदम पनीर से लोडेड। टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अब नूडल को टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि बना कैसा है आखिर, बचपन वाली बात आई या नहीं आई। और आप सबको याद होगा बचपन में हम कैसे खाते थे नूडल, ऐसे घुमा घुमा के, लपेट लपेट के, और इस तरह का बाइट बनाते थे और खाते थे। तो सेम बाइट, यम। बस मिर्ची का मैं बाकी पूरा टेस्ट आ गया बचपन वाला, थोड़ा सा अभी के टच के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ट्राई कीजिए आप भी बचपन वाला नूडल, बहुत टेस्टी बना है, सीरियसली बहुत टेस्टी बना है। तो मैं अभी इसको एंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज हो गया 5th of April और ये वीडियो कल से चल रहा है, तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे ले लेती हूँ। और आज मुझे जाना है कहीं स्पेशल जगह पे, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए।
तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आएंगी ब्लॉग में, और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली में एक्चुअली। तो उसके लिए तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, तो एक आधा तैयारी हुआ है जो अभी तक मैंने शायद आप लोगों से शेयर नहीं किया है, और उसके लिए कुछ तैयारियां अब शुरू हो रही हैं। तो मुझे निकलना है अभी थोड़ी देर में, तो मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अगला वीडियो जो आएगा वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्या होने वाला है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और देखते रहिए रेखा की दुनिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और चाउमीन की रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए, अच्छी बनी थी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आखिर आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।